मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। और हिंदू पक्ष ने ईदगाह मस्जिद पर सर्वे की मांग यहां पर अदालत से की है और ऐसे में कोर्ट ने इस पर फैसला अपना सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि कोर्ट जल्दी से लेकर अपना फैसला सुना सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। ईदगाह परिसर में सर्वे की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अरे जो सूट्स हैं वो सारे सूट्स इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जो सूट नंबर 1 है माननीय रंजना अग्निहोत्री द्वारा फाइल किया गया सूट, उसमें एक एप्लीकेशन फाइल की गई है एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की, और ये मांग की गई है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसका सर्वे किया जाए और एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट अपनी सर्वे की कोर्ट के सामने ऑर्डर 26 रूल 9 में दाखिल करे। दरअसल श्री कृष्ण विराजमान की ओर से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने की कोर्ट से मांग की गई थी, जिसमें सर्वे के लिए 3 मेंबर यानी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही अर्जी में विवादित परिसर का सर्वे कर एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में सौंपे जाने की मांग भी की गई थी। ऑर्डर 26 रूल 9 के तहत अर्जी दाखिल की गई थी। शाही ईदगाह मस्जिद ने अपना जवाब दाखिल किया, उन्होंने अपना पक्ष रखा कोर्ट के सामने, और उनका ये कहना था कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट का आर्गुमेंट नहीं डिसाइड हो जाता है, इस एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं किया जा सकता है। इसके प्रति उत्तर में हमने यही जवाब दिया कि ज्ञान व्यापी केस में भी पहले एडवोकेट कमीशन हुआ था और उसके बाद 7-11 डिसाइड हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स का हवाला दिया जिसमें फिक्स्ड और सेटल्ड लॉ है कि 7-11 किसी भी स्टेज पर डिसाइड किया जा सकता है और कोई आदमी कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकता है कि 7-11 पहले डिसाइड किया जाए। आपको बता दें कि मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है। इस समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को सौंपे जाने की मांग की गई है।